हेलो एवरीवन गाइस, सो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। और गाइस, आज मैं आप लोगों को जितने भी यहाँ पे हमारे 9th के और 11th के बच्चे अभी 10th में और 12th में जाने वाले हैं, जैसे कि 9th के बच्चे अभी 10th में जाएंगे, 11th के बच्चे अभी 12th में जाएंगे, तो तुम सभी लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। तुम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चांस यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे 9th से 10th में जा रहे हैं और जो बच्चे 11th से 12th में जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी को शेयर कर देना और लास्ट तक इस वीडियो को एटलीस्ट जरूर देखना। आपके 9 से 10 मिनट आपको वीडियो देखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। गाइज, इस वक्त आपको पता है कि कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, लॉकडाउन बहुत खतरनाक तरीके से हो चुका है और कोई भी प्राइवेट ट्यूशन चालू नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस सब बंद है। और वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस और प्राइवेट ट्यूशन की अब कोई भी जरूरत बिल्कुल भी है भी नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई फीस, 1,00,000 रुपए, 50,000 ट्वेल्थ वालों की फीस होती है, 60,000, 70,000, 90,000, 1,00,000 रुपए, और 10th वालों के लिए 20,000, 25,000, 15,000 जो भी फीस होती है, इतनी फीस कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप लोगों को मिलेगा फ्री क्वालिटी एजुकेशन, एकदम फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलने वाली है। मैं बताऊंगा कैसे आपको सारे सब्जेक्ट, सारे तरीके के, किस तरीके से आपसे आपको यहाँ पे सारे के सारे वीडियो मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आपको देखना है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हो कि जो 9th के बच्चे हो वो 10th में गए हैं, 11th के बच्चे 12th में गए हैं बिना किसी पेपर दिए, और इस साल बच्चों की कोई पढ़ाई हुई नहीं है ज़्यादा अच्छे तरीके से किसी भी 9th के बच्चे ने, ना ही 11th के बच्चे ने 11th की, ना ही 9th के बच्चे ने 9th की कोई भी पढ़ाई की नहीं है। उनका जो बेस है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है, उनका जो बेसिक चीजें हैं वो बिल्कुल भी उन्हें आती नहीं है, तो वो कैसे 10th में और 12th में जाके पढ़ाई करेंगे। तो गाइस, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। और हम सबको पता ही है कि 10th जो है हमारा दुनिया का पहला स्टेप होता है हमारी लाइफ का, जब हम पहली बार किसी कॉम्पिटिशन में कदम रख रहे होते हैं तो ये हमारा पहला मतलब कदम होता है जिसमें से हम अपनी चाहे तो लाइफ को बना ले या तो हम अपनी चाहे लाइफ को बिगाड़ ले, ऐसा होता है 10th का केस। और 12th है हमारा कैरियर डिसाइड करता है, जो हमारा कैरियर है कि आगे हम दुनिया में क्या बेस्ट बनेंगे, यह हमारा 12th डिसाइड करता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब क्या है, बट आप और भी बेस्ट बन सकते हो, बट 12th भाई 90% लोगों का कैरियर डिसाइड करता है इस दुनिया में, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं बच्चे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनका पेपर हो गया तो बच्चे, कुछ बच्चे पबजी खेलने में, कुछ बच्चे कुछ और खेलने में अपना टाइम व्यस्त कर रहे होंगे, टाइम पूरा खराब कर रहे होंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस साल जो बच्चे 12th देने वाले हैं और इस साल जो बच्चे 10th देने वाले हैं, उनको एकदम बहुत खतरनाक तरीके से रोना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू में कोई पढ़ाई की नहीं और अब वो इतना पछता रहे हैं कि क्या कहा जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अब काश हम लोग शुरू में अप्रैल महीने में, मई महीने से शुरू कर दिया होता पढ़ाई करना, तो आज हम कितना बेस्ट बन चुके होते। तो वो गलती प्लीज आप मिस्टेक बिल्कुल ना करो। आप सब क्या सोचते हो कि देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम फॉर द एग्जाम, अभी तो एग्जाम अगले साल है 2022 में एग्जाम होगा आप लोगों का, तो आप लोगों को ऐसा सोच रहे हो कि बस भाई अभी तो अभी पूरे 12 महीने 10 महीने हैं पेपर के, ठीक है, तो अभी हम पढ़ाई नहीं करेंगे। यार, ये सबसे बड़ी दुनिया की गलती होगी अगर आप अभी से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करोगे तो, कसम से कहता हूँ, बाद में बहुत रोना पड़ेगा। आप सोचते हो कि हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे, जब हमारा कॉलेज शुरू होगा तब स्टार्ट करेंगे, या फिर लॉकडाउन हट जाएगा, ऑफलाइन क्लास शुरू होगी तब पढ़ेंगे। यार, ऑफलाइन क्लास के बहाने मत पढ़ो, उससे भी बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज तुमको यहाँ पे मिलेगी। मैं बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना है, मतलब बिना कुछ पैसे पे किए फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 10th और 12th के बच्चों के लिए सब कुछ वीडियो लेक्चर सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, यार 10th के लिए और 12th के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और टाइम बहुत कम है। सो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा आज और इसी वक्त से, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, लास्ट के 3 मंथ के लिए कर लूंगा। ये आप सबसे बड़ी गलती आप लोग कर देते हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आपकी यहाँ पे कि आप सोचते हो कि हम लास्ट के 3 मिनट में पढ़ लेंगे, 3 मंथ में पढ़ लेंगे, या लास्ट के कुछ महीनों में हम पढ़ाई कर लेंगे, अभी तो इंजॉय करते हैं, तो ये सबसे बड़ी बुरी बात होने वाली है। अगर तुम सोचते हो कि मैं टॉपर नहीं हूं तो मेरा क्या होगा, मतलब मैं बेस्ट कैसे करूंगा, तो ये भी आपकी सबसे बड़ी और बुरी सोच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 9th में कुछ नहीं पढ़ा, 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग को इससे कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आप लोग अभी 10th में जाओगे, आप लोग अभी 12th में जाओगे तो सबसे बेस्ट ही होने वाला है। और मैंने ऐसी सारी चीजें आपको वीडियो लेक्चर्स देने वाला हूं जिससे कि आपको सब कुछ अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। और आपने नहीं पढ़ा है 9th और 10th तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 11th आपने नहीं पढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th में जाने के बाद 10th में जाने के बाद आपको सब कुछ समझ में यहां पे आ जाएगा। तो गाइस, यही है सबसे पहला स्टेप जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो। तो गाइज, मैं बताता हूं आपको, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू इंडियन एरा, इसको आप अच्छे से आप याद कर लो। यहां पर सबसे पहले से ही आप लोगों का जो नया सिलेबस
सिलेबस है उसमें 10th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, पहले से ही डाल दिया गया है पूरे वीडियो लेक्चर्स। अगर आप 10th में हो तो आपका साइंस 1 और साइंस 2 बेस्ट तरीके से, इतना बेस्ट तरीके से यहां पे पढ़ाया गया कि आप पूरे महाराष्ट्र के सारे टीचर्स भी इसे देखते हैं इन वीडियोस को, तो आप एक बार जाओगे आपको तब समझ जाएगा। और 12th स्टैंडर्ड में गाइस कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट एकदम अच्छे से पूरे सब्जेक्ट का सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट, लाइन टू लाइन ईच एंड एवरी चैप्टर के सारे टॉपिक्स यहां पर कवर किए गए हैं इस चैनल में न्यू इंडियन एरा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कुछ भी आपको पैसे पे नहीं करने, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिलेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है यहां पर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोग कैसे इन वीडियो लेक्चर्स को देखोगे, आपको पहली बात तो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम में, पहले से ही सारे नोट्स मैंने पूरे सब्जेक्ट के, चाहे वो 11th हो, 12th हो, सभी के और 10th के सभी के नोट्स मैंने यहां पे बना के डाल दिए। तो जाओ टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उस ग्रुप को, और वहां पे आपको सारे लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे, सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके ऑफलाइन क्लासेस वाले भी उतनी बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, हैंड रिटन नोट्स सारी 12th की और 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सारे वीडियो लेक्चर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और कैसे आप लोग को ज्वाइन करना है मैं यहां पे आपको बता देता हूं अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बस गाइस आप लोगों को चले जाना है अपने यूट्यूब में, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये है हमारा यूट्यूब, यहाँ पे आप सीधे चले जाओगे और यहाँ पे आपको आना है सर्च वाले ऑप्शन में। तो सर्च वाले ऑप्शन में आते ही आप लोग यहाँ पे सीधा सर्च करोगे न्यू इंडियन एरा, ऐसा आप जैसे सर्च करोगे ना तो आप लोग को यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू इंडियन एरा आप सर्च करोगे, देखो इस तरीके से सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप इसके ऊपर चले जाओगे अंदर क्लिक करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओपन हो जाएगा, आप लोग इसे इस तरीके से सब्सक्राइब कर लेना है और ये बेल आइकॉन को यहाँ पे देखो ऑल पे कर देना, जिससे कि कोई भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। गाइज आप कौन, आप चाहो तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ये मेरा गेमिंग चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूपीएससी की स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो आप चाहो तो कर सकते हो। गाइज आप देख लो फिजिक्स में क्लास 12th के बंदों के लिए 13 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इतने सारे बंदे सब पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का है, यहां पे हमारा देखो ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर जहां पे 8.7 लाख बच्चों ने देखा है, ये हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स पहला चैप्टर फिजिक्स का, ये हमारा यहां पे है। आप चाहो तो यहां पे प्लेलिस्ट में आ सकते हो, नीचे मल्टीपल प्लेलिस्ट में आप इसमें जैसे क्लिक करोगे ना यहां पे तो आपको देखो 88 वीडियोस है, आप बिलीव नहीं करोगे कंप्लीट फिजिक्स का सारा लाइन टू लाइन कंप्लीट चैप्टर आपको यहां पे मिलने वाला है, मतलब कंप्लीट चैप्टर मतलब समझता है ना, देखो यहां पे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, फिर देखो हमारा यहां पे उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन आफ्टर दैट ये हमारा हो गया देखो यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फिर सेकंड पार्ट उसका, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, देन उसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन, देन उसके बाद काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, ऐसे पूरे 16 चैप्टर पूरे। फिर देखो ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में देखो यहाँ पे पहला चैप्टर का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, इसका एक्सरसाइज देखो यहाँ पे कंप्लीट, देन हमारा सेकंड चैप्टर, फिर देखो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया इस तरीके से आपको कंप्लीट, यहाँ पे थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, पूरे 16 चैप्टर यहाँ पे बायोलॉजी के, फिर देखो यहाँ पे ये केमिस्ट्री के हमारे, फिर देखो ये हमारे मैथमेटिक्स, यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स है। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लीटली अच्छे से स्टडी कर सकते हो। गाइस अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, मान लो जैसे कि आप लोग को न्यू इंडियन मतलब आपको साइंस 1 चाहिए क्लास 10th का, तो आप जैसे कि देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, ये आप जैसे क्लिक करोगे ना यहां पे देखो इस तरीके से क्लिक करोगे ना, ये यहां पे आपको आ जाएगा, आपको सर्च करना है बस न्यू इंडियन एरा, जैसे देखो यहां पे आप आओगे और इस तरीके से आप न्यू इंडियन एरा क्लास 10th साइंस 1, या फिर मान लो न्यू इंडियन एरा क्लास 10th साइंस 1 चैप्टर 3 आपको मान लो सर्च करना, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, जैसे चैप्टर 3 में क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने वीडियो देखो आ जाएगी। ये देखो रही पहली वीडियो, पहला पार्ट है, एकदम धांसू तरीके से आप इस थंबनेल को देख लो, ऐसी वीडियोज हमारे चैनल की होती हैं, आप इसको देख लो, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, इस तरीके से देखो यहाँ पे सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कंप्लीट तरीके से, आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। कोई भी बंदे को अगर कोई भी चैप्टर चाहिए, जैसे कि साइंस 1 का कोई चैप्टर चाहिए, साइंस 2 का अगर मान लो चैप्टर चाहिए, जैसे कि साइंस 2 यहां पे सर्च करता हूं तो साइंस 2 का अगर किसी बंदे क्लास 10th वाले को चाहिए तो कंप्लीटली आपको यहां पे मिल जाएगा। तो क्लास 10th हो चाहे 12th हो, देखो कंप्लीट तरीके से इतना धांसू तरीके से मैंने पढ़ाया है ना, एक बार बस अगर आप इसमें क्लिक करके देखोगे किसी भी वीडियो को, फिर देखो कैसे धमाका होगा, एकदम भारी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बस आपको इतना, अगर मान लो आपको किसी क्लास 12th का चाहिए तो आप यहां पे लिख दो न्यू इंडियन एरा
ठीक है, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स चाहिए मान लो, फिजिक्स चाहिए ठीक है, या फिर मान लो अगर आपको बायोलॉजी चैप्टर वन चाहिए, या फिर मान लो चलो केमिस्ट्री चाहिए, तो केमिस्ट्री में यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, देखो केमिस्ट्री सर्च मारो, जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री की वीडियो मिल जाएगी। ऐसे आप देखो यहाँ पे पूरा 83 देखो पूरा प्ले लिस्ट मिल गया है, आप इस प्ले लिस्ट में क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे पूरा लाइन से पूरे के पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से गाइज आप चाहो तो पूरे के पूरे वीडियोज को देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स में इन्हें शेयर कर सकते हो सभी लोगों से शेयर की बटन में क्लिक करके। तो ये बस आप लोगों के लिए है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, क्लास ट्वेल्थ की, चाहे इलेवंथ की, चाहे टेंथ की, साइंस वन साइंस टू सब आप यहां पे पढ़ सकते हो ठीक है। साइंस वन क्लास टेंथ का, साइंस टू क्लास टेंथ का, पूरे 20 के 20 चैप्टर विद नोट्स सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा। तो बस आपको इस तरीके से आना है और सर्च करना है न्यू इंडियन एरा और आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो को सभी तक शेयर कर देना ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके गाइज, सो सब्सक्राइब कर लेना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को। और गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज एंड प्लीज अपने सारे फ्रेंड में शेयर कर देना, जिससे कि सब तक ये फ्री एजुकेशन पहुंच सके। तो कंप्लीट सब्जेक्ट, चाहे साइंस वन रहे, चाहे साइंस टू रहे टेंथ के लिए, चाहे ट्वेल्थ के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी रहे, सारे सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर डाला हुआ है। तो जाओ और बढ़िया तरीके से यहां पर पढ़ना शुरू कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो, सभी लोग अच्छे से यहां पे पढ़ोगे तो सभी लोग आगे बढ़ोगे। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं किसी भी प्राइवेट ट्यूशन की, किसी भी कॉलेज की, और कॉलेज में तो वैसे भी कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, तो 20 साल पुराना रिश्ता है उनका ठीक है, उनसे कभी पढ़ाते नहीं अच्छे से, तो बच्चों को खुद से ही पढ़ना पड़ता है टेंथ को और ट्वेल्थ वाले बच्चों को, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, तो वैसे भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा वही बच्चा सबसे आगे बढ़ेगा इस सिचुएशन में। अगर वो सोचेगा कि हमारी ऑफलाइन क्लास में हम जाएंगे कहां नहीं जाएंगे ऐसा वैसा है, तो सोच लो कि आपकी नैया पार नहीं होगी, आप भगवान जाने फिर आपका क्या होगा, और बाद में आपको टेंशन होगी, रोना पड़ेगा। मेरी बात जो मानेगा वो डेफिनेटली 90 प्लस निकाल लेगा, कसम से कहता हूं। जितने भी यहां पे बच्चे हो देखो सीरियसली लो, आप लोग ना पढ़ाई भी करो और आप ना मस्ती भी करो, खेलो कूदो सब कुछ करो, बट पढ़ाई को एटलीस्ट 4 घंटे या 3 घंटे या दिन के 2 घंटे ही दो, बट दो यार, बाकी पूरा टाइम आप खेलो कूदो जो करना है वो करो, लेकिन कम से कम दिन के 2 घंटे वीडियो लेक्चर भी अगर शुरू से देखोगे और अगर अपनी नोट्स को बनाते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप बेस्ट कर जाओगे इस दुनिया में ठीक है। तो सब कुछ आपका बेस्ट हो जाएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में फैला दो, सभी लोगों तक इस वीडियो को प्लीज एंड प्लीज पहुंचा दो, जिससे कि सबका फायदा हो जाए और सभी लोग इस वीडियो लेक्चर को देखें और सभी लोग ये फ्री कोर्सेज जो मैंने बनाए हैं इनको देख के और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। तो आप गाइस चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। मिलेंगे ऐसे ही और किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।